हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू द नेक्स्ट क्लास ऑफ साइंस बायोलॉजी क्लास में एंड जो चैप्टर हम कर रहे हैं वो कौन सा चैप्टर है ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड मिनरल्स इन प्लांट्स है ना दो पीरियड इससे पहले हो चुका है जिसमें हमने जाइलम के बारे में पढ़ा था फोलियम फ्लोएम के बारे में पढ़ा था है ना उसके फंक्शंस के बारे में पढ़ा था कुछ एक्सपेरिमेंट्स भी हमने ए, देखे थे एंड आज की क्लासेस में हम क्या क्या टॉपिक करने वाले हैं पहले उसको देख लेते चलिए आज की क्लास में जो टॉपिक होने वाला है हम लोग देखेंगे कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इन प्लांट कैसे होता है पिछले क्लास में आपको याद है हमने एब्जॉर्बशन के बारे में सीख पढ़ा था कि कैसे अब्जॉर्ब करते हैं है ना Uh, तो आज हम जो है कंडक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे कंडक्शन कंडक्शन होना मतलब ट्रांसपोर्ट होना वाटर एंड मिनरल्स इन डिफरेंट पार्ट्स कैसे वो होगा वो हम देखेंगे एंड ट्रांसपरेशन के बारे में भी थोड़ा ये भी बहुत इंटरेस्टिंग uh, चीज़ है ठीक है ट्रांसपरेशन uh, मतलब ये ट्रांसपरेशन एक्चुअली क्या होता है एक वाटर लॉस है प्लांट में से किस तरह से वाटर लॉस होता है uh, उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे तो ध्यान से सुनिए ठीक है थोड़ा सा हो सकता है ये क्लास थोड़ा लंबा हो क्योंकि जो कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स है इसको थोड़ा डिटेल में समझना बहुत जरूरी है ठीक है ये बेसिक बेसिक क्लास में जो भी चीज़ आप पढ़ रहे हैं वो आपका है तो इसीलिए आपको ये सब चीज अगर अभी समझ में क्लियरली नहीं आता है तो बाद में प्रॉब्लम हो सकता है ठीक है तो इसीलिए मैं बोलता हूँ ध्यान से सुनने के लिए तो कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इन प्लांट्स इसका देखिए कि किस तरह से प्लांट में जो है वाटर एंड मिनरल्स कंडक्ट होता है ना कंडक्ट होना मतलब मैंने क्या बताया ट्रांसपोर्ट होना अब आपको पता है कि कहाँ से वाटर एंड मिनरल्स प्लांट में आता है थ्रू रूट्स आता है तो यही प्रोसेस को आज हम लोग सीखेंगे कि किस तरह से रूट से होते हुए जो वाटर है एंड उसमें जो डिजॉल्व मिनरल्स है जो प्लांट को चाहिए होता है वो किस तरह से लीब्स में एंड अदर अदर पार्ट्स में जो है पहुंचता है ठीक है तो ये कंडक्शन का डेफिनेशन है पहले डेफिनेशन को लिख लीजिए फिर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ क्या इसका मतलब है तो डेफिनेशन नोट कर लिया है आपने द ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम वन पार्ट ऑफ ए प्लांट टू अनदर इज कॉल्ड कंडक्शन ठीक है ट्रांसलोकेशन भी आपने देखा होगा आप, पिछले क्लासेस में कंडक्शन uh, में क्या होता है जो भी सब्सटेंस रूट के जरिए एब्जॉर्ब होता है उसको हम लोग डिफरेंट पार्ट्स में हम लोग मतलब रू जो प्लान uh, का जो वेसल्स है वेस्कुलर सिस्टम है वो किस तरह से जो है पूरे ट्रीज में पहुंचाते हैं दैट इज कंडक्शन ठीक है और लीव्स में आपको पता है लीव्स में क्या बनता है लीव क्या है पूरे ट्री का किचन है वहां पे खाना बनता है जैसे आपका घर में खाना बनता है जो पेड़ का जो खाना है एक्चुअली वो कहां बनता है वो लीव्स पे बनता है ठीक है और उस प्रोसेस को पूरा प्रोसेस को जो हम लोग बोलेंगे उसको क्या बोलते हैं फोटोसिंथेसिस बोलते हैं लीव्स किस किस प्रोसेस से खाना बनाते हैं लीव्स में जो है उस, उनको लाइट चाहिए लाइट चाहिए होता है सनलाइट एंड जो रूट से उनको वाटर एंड मिनरल्स मिलता है उसको प्लस वो लोग क्या लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एंड उनके जो लीव्स में जो ग्रीन पिगमेंट्स है उसको बोलते हैं क्लोरोफिल ये सब को एक साथ ये मिक्स करके वो लोग क्या बनाते है? खाना हैं खाना बनता है जो उनका जो प्रोडक्ट होता है एंड प्रोडक्ट सो ग्लूकोज बोल सकते हैं फिर ये ग्लूकोज को जो है चारों तरफ ट्रांसपोर्ट किया जाता है प्लांट में ये भी और ये कौन कौन करता है आपको फर्स्ट क्लास में मैंने बताया था ये जो प्रोसेस ये जो खाना है ये ट्रांसपोर्ट करता है फ्लोएम ठीक है ना तो ये सारा चीज़ देखिए इंटरलिंक्ड है एक क्लास का चीज़ दूसरे से इंटरलिंक्ड है इसीलिए बेसिक से आपको बताते हुए हम लोग जा रहे हैं तो हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है एक अगर फंक्शन को अच्छे से समझना है कि ट्री वैसे तो बाहर से देखने में लगता है सिंपल ट्री है लेकिन उनके अंदर में इतना छोटा छोटा पार्ट्स है और वो उनका हर एक काम इतना खाना जो बनता है बनने के बाद वो क्या होता है पूरे बॉडी में मतलब वो जो खाना होता है एक्चुअली क्या एंड प्रोडक्ट आता है ग्लूकोज शुगर भी बोल सकते हैं वो फिर प्लांट के अलग अलग पार्ट में ट्रांसपोर्ट किया जाता है थ्रू फ्लोएम ना ये जो कंडक्शन मैं बता रहा हूँ कि जो कंडक्शन है क्या कंडक्शन बेसिकली क्या होता है ये डायग्राम देखे यहाँ पर एक डायग्राम रखा हुआ है कंडक्शन एक्चुअली क्या है ये जो रूट्स है ये रूट क्या काम करते हैं यहाँ से वाटर एंड मिनरल्स को लेके जाते हैं वाटर एंड मिनरल्स को लेके जाने के बाद ये ब्लू कलर का जो एरोस देख रहे है, ये क्या है? ये आपका वाटर एंड मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट है तो यही है कंडक्शन जब हम वा, लोग वाटर एंड मिनरल्स को या फूड को जब हम लोग इधर से प्लान के जो सिस्टम है उसके थ्रू से इधर से उधर ले, ले मतलब ले जाया जाता है उसी को हम लोग एक्चुअली कंडक्शन बोलते हैं नाउ टू अंडरस्टैंड द कंडक्शन एक्चुअली इस कंडक्शन को समझने के लिए हम लोगों को दो चीज़ अच्छे से इसमें समझना होगा एक है एसेंट ऑफ सैप सैप मतलब क्या होता है वाटर एंड मिनरल्स जो डिजॉल्व मिनरल्स होता है ये दोनों को एक साथ सैप कहा जाता है इसके अंदर प्लांट के अंदर पर इसको क्या कहा जाता है सैप तो एसेंट ऑफ सैप एंड रूट प्रेशर ये दोनों चीज़ को आपको समझना पड़ेगा क्योंकि ये दोनों का ना बहुत ये दोनों जो है ये दोनों का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है पूरे के पूरे कंडक्शन में जो प्लांट में जो फूड है या फिर वाटर एंड मिनरल ट्रेवल करता है अक्रॉस ऑल द पार्ट्स तो इसमें सबसे बड़ा पार्ट ये एसेंट ऑफ सैप एंड या रूट प्रेशर आप बोल सकते हैं ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते तो ये टर्म ये जो है इसको ये इसको समझना पड़ेगा आपको ये पूरा फंक्शन को समझने के लिए तो पहले हम समझते हैं व्हाट इज एसेंट ऑफ सैप ठीक है तो एसेंट ऑफ सैप होता है द प्रोसेस ऑफ अपवर्ड कंडक्शन ऑफ सैप ठीक है ये सैप मैंने बताया सेल सैप मतलब कि सेल के अंदर पे जो सैप है ये सैप एक्चुअली फ्लूड होता है जिसमें आपका वाटर एंड मिनरल्स दोनों एक साथ रहते हैं डिजर्व ये सैप कहीं पर भी अगर आएगा तो आप समझ जाइएगा ये सैप मीन्स वाटर एंड मिनरल्स कलेक्टिवली दोनों को एक साथ सैप कहा जाता है तो जो प्रोसेस है जिससे क्या होता है अपवर्ड कंडक्शन होता है मतलब ये जो मूवमेंट ऑफ वाटर मिनरल्स है जो ऊपर की तरफ जाता है रूट से कहाँ से रूट से नीचे से ऊपर की तरफ जो मूव करता है इसको हम लोग कहते हैं अपवर्ड कंडक्शन ऑफ क्या सेल सैप ठीक है तो ये कहां से होता है देखिए रूट्स टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट्स अगेंस्ट ग्रेविटी एंड ये ग्रेविटी के अगेंस्ट में जाता है क्योंकि ग्रेविटी क्या करता है चीजों को नीचे खींचता है लेकिन ये ग्रेविटी के अगेंस्ट में जाता है तो दैट्स वाई इट इज कॉल्ड एसेंट ऑफ सैप सैप को ऊपर ले जाना है एसेंट ऑफ सैप मीन सैप को ऊपर ले जाना एकदम सिंपल वर्ड्स में बता रहा हूँ तो एसेंट ऑफ सैप का सिंपल मीनिंग होगा अपवर्ड कंडक्शन ऑफ सेल सैप ठीक है अगेंस्ट द ग्रेविटी और ये थ्रू आपको ये भी पता होना चाहिए एसेंट ऑफ सैप जो है थ्रू जाइलम वेसल होता है होते हुए वो एकदम सबसे के भाग तक वो पहुंचा देते द वॉटर एंड डिजोल्व मिनरल्स मैंने अभी आपको बताया जो सेल एप क्या है सेल एप आर द वॉटर एंड द डिजोल्व मिनरल्स ये दोनों को एक साथ में हम लोग कहते हैं सेल सैप विच आर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम कहां से ट्रांसपोर्ट होता है रूट्स टू लीव्स एंड अदर प्लांट्स थ्रू द पाइपलाइंस देखिए ये पाइपलाइंस कैसे बनता है बाय द जाइलम 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 मैंने आपको का का डायग्राम डायग्राम दिखाया था का जो uh, होता है वो इस तरह का डायग्राम होता है ना इस तरह का डायग्राम होता है और ये एंड टू एंड जुड़े जुड़े होते हैं इस तरह से यानी ये जुड़ जुड़ के क्या बनता है एक पाइपलाइन जैसा बन जाता है और इसके थ्रू से जो है यहाँ पे एक परफोरेशन होता है सेल परफोरे तो ये एक साथ जुड़ के क्या बनता है एक पाइपलाइन जैसा बन जाता है एंड फिर इसके थ्रू से जो है पानी ऊपर की तरफ मूव करता है ये जो रूट से आप देख रहे हैं ना इसके अंदर पे ऐसा बहुत सारा एक बार में ये पाइप नहीं है ये बहुत सारा जाइलम फैसल ऐसे जुड़ जुड़ के जो है पाइपलाइन की तरह बनता है एंड उसके थ्रू से जो है पानी ऊपर की तरफ मूव करता है समझ में आया कैसे ये मूव किया जाता है सेल्स एपाराटर वाटर एंड डिजोल्व मिनरल्स विच आर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम रूट टू लीव्स ठीक है जो सेल सैप है वो कहां से जाता है रूट से लीप्स में जाता है एंड वो सैप मतलब क्या होता है वाटर एंड मिनरल्स टुगेदर मतलब वाटर के अंदर जो डिजॉल्व मिनरल्स है दोनों एक साथ क्या होता है सेल सैप ठीक है द एसेंट ऑफ सैप इज एडेड बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपरेशन ये ट्रांसफरेशन के बारे में मैंने बताया था आज ट्रांसपरेशन के बारे में भी हम पढ़ेंगे तो ये जो एसेंट ऑफ सेप है ये ट्रांसपरेशन के बिना पॉसिबल नहीं है ये कैसे नहीं है ये हम समझेंगे जब ट्रांसपरेशन मैं आपको समझाऊंगा तब इस चीज़ को मैं दोबारा बताऊंगा एसेंट ऑफ सेप होता है विद द हेल्प ऑफ एडेड एडेड मतलब विद द हेल्प ऑफ तो ये जो एसेंट ऑफ सेप होता है ये एक्चुअली कौन से प्रोसेस के हेल्प से होता है ट्रांसपरेशन के प्रोसेस से प्रोसेस के हेल्प से होता है या फिर आप ये बोल सकते हैं कि ट्रांसपरेशन एंड एसेंट ऑफ सैप ये दोनों एक साथ होते हैं एसेंट ऑफ सैप होने से ट्रांसपोरेशन पॉसिबल है ट्रांसपोरेशन होने से अगेन एसेंट ऑफ सैप होता है दिस इज साइकिल ठीक है तो अगेन ब्रीफली फिर से बता रहा हूं वट इज एसेंट ऑफ सैप एसेंट ऑफ सैप मतलब होता है अपवर्ड कंडक्शन ऑफ सेल सैप ठीक है अपवर्ड कंडक्शन कंडक्शन मींस ट्रांसपोर्ट करवाना तो अपवर्ड कंडक्शन ऑफ सेल sap फ्रॉम द रूट और ये सेल sap ऊपर की तरफ मूव करेगा कहाँ से जमीन के नीचे से रूट से लेकर ट्री के हर एक हिस्से में पहुंचेगा ठीक है एंड ये ऊपर की तरफ मूवमेंट करेगा अगेंस्ट द ग्रेविटी एंड व्हाट इज सेल sap अगर पूछे आपको तो सेल sap आर द वाटर एंड डिसॉल्व मिनरल्स ठीक है और ये कैसे कहां से जाते हैं ये पाइपलाइंस के थ्रू जाते हैं ऊपर में जैसे आपको एक जगह से दूसरे जगह में पानी अगर पहुंचाना होगा तो आप क्या करेंगे मोटर के साथ पानी लगाएंगे एंड उस मोट पाइप सॉरी मोटर के साथ पाइप लगाएंगे एंड उस पाइप के थ्रू से पानी जो है ट्रेवल करेगा उसी तरह से रूट से लेकर प्लांट के हर एक हिस्से में जो पानी अंदर ही अंदर जाता है उनके अंदर एक पाइपलाइन है एंड वो पाइपलाइन जो है वेसल से बना हुआ है जो एक दूसरे के साथ जुड़ जुड़ के एंड टू एंड जो है एक पाइप की तरह फॉर्म करता है उसके अंदर सेल्स एप मूव करता है और ये सेल्स एप के मूवमेंट या फिर ये सेल्स एप का जो ये

चलिए एक चीज में आपको समझाता हूँ रूट प्रेशर क्या होता है ड्यू टू अब्जॉर्प्शन ऑफ प्लांट्स एप मैंने आपको जाइलम का डायग्राम दिखाया था पहले है ना जो जाइलम वेशल है उसके चारों तरफ एक मान लीजिए ये एक रूट है ये एक रूट है ठीक है जो जमीन के नीचे है इसके ऊपर जो है प्लांट है नाउ इस रूट में क्या होता है बहुत सारे ब्रांचेस बना रहता है रूट में है ना रूट का भी इस तरह से ब्रांचेस बना रहता है फिर इन ब्रांचेस के ऊपर जो है ऐसा के हेयर्स लगे रहते हैं तो एक मान लीजिए एक हेयर का डायग्राम हम यहाँ पे प्रेजेंट कर रहे हैं ये कि ये एक रूट हेयर है ठीक है एंड उसके बाद रूट हेयर से किस तरह से जो है आउटर सेल से एपिडर्मिस में से कॉर्टेक्स में मूव करता है मैंने दिखाया था आपको डायग्राम है ना एपिडर्मिस में से ये पानी जो है कॉटेक्स में मूव करता है फिर कॉटेक्स से होता हुआ एंडोडर्मिस एक होता है जिसके थ्रू से वो लोग जाइलम वेसल में मूव पानी जो है आ, आ, एंटर करता है एंड उसके बाद ये ऊपर की तरफ मूव करता है याद है आपको डायग्राम? ऐसे कि रूट हेयर चारों तरफ सॉयल इस यहाँ से क्या होता है पानी अब्जॉर्व अब होता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस आपको याद होगा उसके बाद एपिडर्मिस जो आउटर सेल से होते हुए कॉटेक्स कॉटेक्स में क्या होता है सिमिलर इस तरह से सेल बने रहते हैं इस सेल के अंदर से जो है पानी क्या करता है स्वीप करता हुआ फिर एंडोडर्मिस से होता हुआ जाइलम वेसल में एंटर करता है जैसे जाइलम वेसल में एंटर जायलम वो ये ऊपर की तरफ मूव करता हो इतना सारा फंक्शन जो इतने इतने छोटे से जगह पे होता है ना यही वाला चीज हमको समझना है कि किस तरह से ये रूट प्रेशर जनरेट होता है देखिए जैसे जैसे पानी अब्जॉर्ब होता है ना तो यहाँ पर मैं इसको इस वाले जगह को इस तरह से दिखाना चाहूंगा मान लीजिए ये रूट का हमने एक गोल करके हिस्सा काट लिया तो गोल करके हिस्सा काट के हम इसको ऊपर से देख रहे हैं ऐसे करके ऊपर से दिखने पे कैसा दिखेगा मालूम आपको ये बीच में आपको दिखेगा क्या जाइलम वेसल पाइपलाइन की तरह ठीक है ये बीच में दिखेगा आपको जाइलम वेसल और इसके आसपास में मान लीजिए ये रूट हेयर है इस तरह से इस तरह का कुछ आपको एक दिखेगा तो ये रूट हेयर कंटिन्यूसली क्या करेंगे पानी को अब्जॉर्ब करेंगे सभी रूट हेयर यही करते हैं इनको बनाए इसलिए इनका जो पैदा होता है इसलिए होता है कि इनका काम क्या है आप पानी को ऑब्जॉर्ब करिए एंड मिनरल को ऑब्जॉर्ब करिए तो ये कंटिन्यूअसली क्या करेंगे वाटर को अपने आसपास के सॉइल में से ऑब्जॉर्ब करेंगे ये एपिडर्मिस है जो आउटर सेल है इसमें से होता हुआ ये cortex है है ना पानी क्या करेगा इसमें एंट्री करेगा तो ये रूट जो है कंटिन्यूअसली पानी को ऑब्जॉर्ब करते रहते हैं कंटिन्यूअसली पानी ऑब्जॉर्ब करने की वजह से क्या होता है यहां पर एक प्रेशर सा क्रिएट होता है ठीक है एंड इस प्रेशर की वजह से जो है पानी फिर आगे मूव कर देखिए रूट प्रेशर अगर ना हो यहाँ पर अगर प्रेशर ना हो तो पानी इसके अंदर नहीं आएगा ये लोग ये देखिए प्रेशर कैसे क्रिएट हो रहा है ये जो है पानी कंटिन्यूसली ऑब्जॉर्ब कर रहे एंड पुश कर रहे हैं पुश कर है। करने की वजह से पानी का मॉलिक्यूल जो यहाँ पर आ रहा है इनके बीच में भी एक प्रेशर हो रहा है एंड ये प्रेशर होने की वजह से ये लोग क्या कर रहे हैं ये जाइलम वेसल में एंटर कर रहे हैं जायलम वेसल में एंटर करते ही ये लोग फिर ऊपर की तरफ मूव करने लग जाता है तो यही है रूट प्रेशर तो रूट प्रेशर एक्चुअली किससे बनता है रूट हेयर जो कंटिन्यूअसली वाटर को अब्जॉब करता है उसी के चलते यहाँ पर एक रूट प्रेशर जनरेट होता है जिसके वजह से पानी को एक धक्का मिलता है एंड वो जाइलम वेसर में एंटर करते हैं एंड जाइलम वेसर में एंटर करते ही जाइलम वेशर का काम क्या है कंडक्शन करना वो अपना काम शुरू कर देते हैं तो इसी तरह से जो है वाटर एंड मिनरल्स Uh, जो है प्लांट में ट्रांसपोर्ट होता है ठीक है तो ड्यू टू कंटिन्यूस अब्जॉर्बशन ऑफ वाटर बाय रूट हेयर्स अ प्रेशर डेवलप इन द रूट व्हिच इज़ नोन एज रूट प्रेशर एकदम बेसिक सा डेफिनेशन है क्योंकि आपका बेसिक लेवल है रूट प्रेशर का और भी डीप uh, आपको अंडरस्टैंडिंग हायर क्लासेस में मिलेगा अभी आपको जस्ट बेसिक सा एकदम अंडरस्टैंडिंग uh, दिया जा रहा है कि ये कैसे जनरेट होता है बहुत सारा पानी जैसे कि आपने मुंह में बहुत सारा पानी जो है क्या कर लिया डाल दिया है और आप उसको निगल नहीं रहे तो मुंह में आपका एक प्रेशर जनरेट होगा कि नहीं होगा फिर जैसे आप उसको निगल लेंगे वो प्रेशर धीरे धीरे रिलीज होगा वैसा ही एक प्रेशर जो है रूट में जनरेट होता है जब रूट हेयर ये जो रूट हेयर है ये पानी को अब्जॉर्ब करके कर करके कर, 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 जब इसके अंदर डालते हैं तो यहां पे एक प्रेशर जनरेट होता है उस प्रेशर की वजह से क्या होता है पानी आगे जयलम वेसल में मूव कर जाता है एंड जयलम भेसन से ये पानी जिसमें जिसको हम लोग सैप बोलेंगे एक्चुअली ये ऊपर की तरफ मूव करता है ठीक है आई होप आपको रूट प्रेशर क्लियर हुआ है ठीक है कि ये रूट प्रेशर किस तरह से जस्ट ज़्यादा ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट ये टर्म नहीं है या फिर उतना कुछ बड़ा टर्म नहीं है कि आपको समझ में नहीं आए रूट हेयर पानी अब्जॉर्ब कर रहे हैं वो किसके अंदर जा रहा है सीधा रूट के अंदर जा रहा है ठीक है रूट रूट के अंदर जाते ही वहाँ पे जब जमा हो रहा है पानी वहाँ पे एक प्रेशर क्रिएट हो रहा है और उस प्रेशर के वजह से पानी को अगर प्रेशर आता है तो पानी आगे मूव करने की कोशिश करता है तो उस प्रेशर के वजह से वो लोग जालम लंबे में मूव करते हैं पानी के मॉलिक्यूल्स एंड देन अपवर्ड दैट इज तो यहाँ पे दो चीज हमने सीखा एसेंट ऑफ सैप इसके बारे में समझा एसेंट ऑफ सैप मतलब अपवर्ड एसेंट ऑफ सैप मतलब मेरे साथ बोलिए अपवर्ड अपवर्ड कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स ये कैसे होता है थ्रू द पाइपलाइंस फॉर्म बाय द जाइलम वेसल्स इजी एंड रूट प्रेशर ड्यू टू कंटिन्यूस ऑब्जॉर्बन ऑफ वाटर एंड ये कौन ऑब्जॉर्ब करता है बाय द रूट हेयर्स अ प्रेशर डेवलप्स इन द रूट विच इज नोन एज रूट प्रेशर सिंपल है ठीक है नाउ फैक्टर्स एफेक्टिंग एब्जॉर्पन ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन ऑफ वॉटर जो है इसका क्या क्या फैक्टर मतलब कौन कौन से ऐसा uh, ऐसी बातें हैं जिसके ऊपर एब्जॉर््पन ऑफ वाटर डिपेंड करता है इसके बारे में समझेंगे कौन कौन से ऐसे बातें हैं जिसके ऊपर क्या डिपेंड करता है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर तो पहला तो है सॉइल टेम्परेचर सॉइल टेम्परेचर से कैसे डिपेंड करता है देखिए ऑप्टिमम ऑब्जॉर्प्शन आप बोल सकते हैं मतलब या मैक्सिमम ऑब्जॉर््शन ऑफ वाटर कौन से टेम्परेचर में होता है जब टेम्परेचर 20 डिग्री से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में है अगर टेम्परेचर 20 डिग्री से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में है तो जो ऑब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होगा वो ज़्यादा होगा और अगर इससे ट्वेंटी डिग्री से कम हो गया या थर्टी डिग्री से ज़्यादा हो गया है तो उस समय जो ऑब्जॉर्प्शन होगा वो कम हो जाएगा ठीक है एंड इंक्रीज और डिक्रीज इन टेम्परेचर कॉजेज डिक्रीज़ इन रेट ऑफ ऑब्जॉर्प्शन तो रेट ऑफ ऑब्जॉप जो है हाई होगा अगर जो टेम्परेचर है सॉयल का वो 20 डिग्री सेल्सियस से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में है ठीक है 20 डिग्री से अगर कम हो गया तो जो एब्जॉर्प्शन होगा वो कम हो जाएगा इसके भी रीज़न है जो बाद में आप जानेंगे एंड 30 डिग्री से अगर ज़्यादा हो जाता है तभी भी एब्जॉर्प्शन कम होता है इसके भी रीजन है हाँ ये भी आप बाद में जानेंगे बट फिलहाल अगर आपको पूछा जाए कि वॉट इज द टेम्परेचर इन विच एब्जॉर्बन ऑफ वाटर इज मैक्सिमम तो आप बोलेंगे एब्जॉर्न ऑफ वाटर इज मैक्सिम वेन सॉइयल टेम्परेचर इज बिटवीन 20 डिग्री सेल्सियस टू 30 डिग्री सेल्सियस ठीक है नेक्स्ट uh, है कंसंट्रेशन ऑफ सॉइल सॉल्यूशन ठीक है अगर कंसंट्रेशन ऑफ सॉइल सॉल्यूशन का क्या मतलब है चलिए इसको दिखा देते कंसंट्रेशन ऑफ सॉइल सॉल्यूशन द सेल सेप ऑफ रूट रूटर्स आर मोर कंसेंट्रेटेड ऑफ सराउंडिंग सॉइल वाटर सेल जो है सेल्स uh, सैप मैंने पहले बताया सैप में क्या होता है वाटर एंड मिनरल्स तो जो रूट के अंदर पे जो सेल्स सैप होता है उनमें जो उनका जो कंसेंट्रेशन होता है वो ज़्यादा होता है दैट मीन्स उनमें जो मोल वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे वो कम होते हैं ठीक है एंड मिनरल्स जो है थोड़ा ज़्यादा होता है तो इसीलिए वो ज़्यादा कंसनट्रेटेड होते हैं देन द सराउंडिंग सॉयल तो इसलिए इसके थ्रू से क्या होता है जितना ज़्यादा कंसनट्रेशन होगा उतना ज़्यादा क्या होगा वाटर अब्जॉर्बशन होगा क्यों क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल्स उनके अंदर कम है तो थ्रू ऑस्मोसिस हमने पहले ही पढ़ा हुआ है थ्रू ऑस्मोसिस वो लोग क्या करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा क्या वाटर मॉलिक्यूल्स को अब्जॉर्ब करेंगे एंड इसको फिर आगे की तरफ बढ़ेगा ये जो वाटर है आगे का प्रोसेस आपको पता है आगे की तरफ बढ़ेगा मतलब यहां पर ये यह समझाना चाह रहे हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉइल सॉल्यूशन अगर कंसंट्रेशन ऑफ सॉइल सॉल्यूशन अगर कम है इससे जो रूट हेयर के अंदर पे जो सॉल्यूशन है उससे तो जो वाटर अब्जॉर्बशन होगा वो ऑब्वियसली ज्यादा होगा ठीक है क्यों क्योंकि सॉयल पे पानी का मॉलिक्यूल ज्यादा है एंड रूट के अंदर पे जो पानी का मॉलिक्यूल्स है वो कम है तो इन दैट केस थ्रू ऑस्मोसिस क्या होगा जो मेम्रेन uh, है उसके थ्रू से क्या पास करेगा जो वाटर के मॉलिक्यूल्स है वो जल्दी जल्दी पास करेंगे एंड जो एब्जॉर्बन ऑफ वाटर होगा वो हाई होगा ठीक है एंड यहां पर देखिए प्रोसेस लिखा हुआ है ये कौन से प्रोसेस से होगा थ्रू द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस होगा ठीक है नेक्स्ट एरेशन ऑफ सॉइल एरेशन ऑफ सॉइल का मतलब कि सॉयल में कितना एयर है

अब सॉयल में अगर ज़्यादा एयर है तो ऑब्जॉप्शन ऑफ वाटर भी ज़्यादा होगा इसीलिए जो रूट ऊपर की तरफ होते हैं ज़्यादातर ठीक है जैसे कि ये मान ली ये रूट है ये ऊपर ऊपर की तरफ जो रूट है इनका जो ऑब्जॉर्प्शन पावर होगा ये ज़्यादा होगा जबकि जो नीचे की तरफ है इनका ऑब्जॉप्शन जो है थोड़ा कम होगा क्यों क्योंकि इनको एयर जो है ये एयर के नजदीक है एयर ज़्यादा मिलेगा इसीलिए आपने देखा होगा कि जब भी फार्मिंग किया जाता है या खेती किसी ने देखा होगा या फिर प्लांट लगाते समय जो मिट्टी है उसको थोड़ा लूज किया जाता है क्यों लूज किया जाता है ताकि उसमें एडिक्वेट एयर पहुँच सके जितना पहुंच पाएगा उतना अच्छे तरीके से थर्टी डिग्री के बीच में है तो हमारा जो एब्जॉर्न ऑफ वॉटर होगा वो अच्छा होगा बट उससे कम हो जाता है तो रेट ऑफ ऑब्जॉर्शन कम हो जाएगा अगर 30 डिग्री से ज्यादा हो जाता है तो भी रेट ऑफ ऑब्जॉर्शन कम हो जाएगा दूसरा हमने देखा कंसंट्रेशन ऑफ सॉइल सॉल्यूशन अगर कंसंट्रेशन ऑफ सॉइल सॉल्यूशन कम रहेगा इससे जो रूट एयर से के अंदर पे जो सॉल्यूशन है उससे तो अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर ज़्यादा होगा ठीक है एंड एरेशन ऑफ सॉइल एरेशन ऑफ सॉइल मतलब अगर सॉयल ज्यादा एयर ही है अगर सॉइल में ज्यादा एयर है तो उस समय भी जो हमारा अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होगा वो ज़्यादा होगा इसीलिए बोला रूट इन वेल एरेटेड सॉयल अब्जॉर्ब मोर वाटर दैन दो दैट गो डीप इन टू द सॉयल जो जितना नीचे जाएगा ये उतना ही एयर से दूर है उतना ही एयर इसमें कम है तो एयर कम होने से अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर भी कम होगा ठीक है ये रिलेटेड है तो ये तीन फैक्टर्स है जिसके ऊपर क्या डिपेंडेंट है या एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर डिपेंडेंट है कि वो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर ज़्यादा होगा या कम होगा ये तीन बातों के ऊपर डिपेंड करता है फिर से बता दो तो एक होता है सॉयल टेम्परेचर 20 टू 30 डिग्री के बीच में होना चाहिए तब ऑब्जॉर्प्शन अच्छा होगा 20 डिग्री से कम होगा तो एब्जॉपशन कम हो जाएगा 30 डिग्री से ज्यादा होगा तो भी ऑब्जॉर्प्शन कम होगा उसके अपने रीज़न है जो बाद में हम पढ़ेंगे एंड दूसरा हमने देखा uh, कंसेंट्रेशन ऑफ सॉइल सोल्यूशन कंसेंट्रेशन ऑफ सॉइल सोल्यूशन जो है हमेशा क्या होना चाहिए कम होना चाहिए देन द सोल्यूशन इन साइड द रूट हेयर्स रूट हेयर्स के अंदर पे जो सोल्यूशन है उसका कंसेंट्रेशन हाई होने से थ्रू ऑस्मोसिस जितना भी वाटर मॉलिक्यूल्स आसपास है वो एंटर कर जाएगा किसके अंदर रूट के अंदर पे और जो तीसरा हमने देखा एरेशन ऑफ सॉइल जिस सॉइल में जितना ज्यादा एयर होगा उसका जो एब्जॉप्शन होगा रूट का एबजॉर्प्शन कैपेबिलिटी उतना ज्यादा होगा तो ये तीन बात के ऊपर डिपेंड करता है एब्जॉर्शन ऑफ वाटर नाउ दूसरा जो टॉपिक है मैंने बताया था समझाएंगे जो हमने एसेंट ऑफ सैप के समय भी अभी पढ़ा था कि हमने ये बता, ये पढ़ा था कि एसेंट ऑफ सैप जो है ट्रांसपोरेशन के साथ मिलकर काम करता है या फिर ट्रांसपोरेशन जो एसेंट ऑफ सैप में हेल्प करता है तो ये टॉपिक पढ़ने के बाद अभी हमको पता लग जाएगा कि कैसे ट्रांसपोरेशन एसेंट ऑफ सैप में हेल्प करता है ठीक है ना वाटर एबजॉर्ब बाय द रूट इज ट्रांसपोर्टेड टू लीव्स एंड इट इज यूज इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस ठीक है जो आटर, जो वाटर एब्जॉर्ब कर रहे हैं रूट्स वो लीव्स तक जाते हैं और उसको फोटोसिंथेसिस में यूज किया जाता है पहले भी बताया मैंने फोटोसिंथेसिस के जरिए प्लांट जब अपने खाना बना लेते हैं उसके बाद अगर एक्स्ट्रा पानी उनके पास बच जाता है तो उसको क्या क्या आता है एटमोस्फेयर में रिलीज किया जाता है जैसे हमारे घर में भी खाना पकाने के बाद जो एक्स्ट्रा पानी होता है वो इधर उधर हम लोग क्या करते हैं फेंक देते हैं उसी तरह से प्लांट भी लीवस में क्या पानी पहुँचते है तो उनको जो भी इन्ग्रीडियंट्स चाहिए होता है उनसे वो खाना बना लेते हैं उसके बाद अगर एक्स्ट्रा वाटर फिर भी होता है तो वो एक्स्ट्रा वाटर को वो लोग क्या करते हैं एटमोसफेयर में रिलीज़ कर देते हैं इन द फॉर्म ऑफ वेपर ठीक है जो आप खुली आंखों से नहीं भी देख पाएंगे बट उसको देखने के लिए क्या कर सकते हैं आप घर पे बहुत इजीली मैं बताऊंगा अभी आपको करके मुझे भेजना भी होगा ठीक है तो वो वेपर के फॉर्म में वाटर को रिलीज कर देते हैं कहा से जो प्लांट का जो स्टोमेटा है स्टोमेटा के ओपनिंग्स ओपनिंग वो लीब्स के लोअर सरफेस से जो है पानी को ज्यादातर इवेकुएट करते हैं ठीक है नाओ आपको पता कैसे चलेगा कि ये ट्रांसप्रेशन हो रहा है जो वाटर लीव्स जो है वाटर को रिलीज कर रहे हैं इसके लिए मैं आपको ईजी से एक्टिविटी दे रहा हूँ ठीक है ये एक्टिविटी करके आपको जो है उसका फोटो लेना है ठीक है कैसा क्या होगा एक्टिविटी आप अपने अपने घर पे पेड़ होगा तो पेड़ पर किसी एक ब्रांच में ठीक है एक प्लास्टिक लेंगे एंड और उस प्लास्टिक को आप क्या करेंगे कुछ पत्तों कुछ पत्तों को लेकर उस प्लास्टिक से उस पत्तों को ढक देंगे ठीक है इस तरह से ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन लेंगे और उससे कुछ पत्तों को पकड़ के उस पॉलीथीन से ऐसे करके ढक देंगे ठीक है और इस तरह से ढकेंगे कि कहीं से कोई छेद ना हो या फिर हवा घुसने का जगह ना हो और यहाँ पर कहीं पर उसको बांध देंगे ठीक है ऐसे दो तीन पत्तों को एक साथ लेके प्लास्टिक के अंदर आपने ले लिया और उसको इस तरह से किसी धागे से ऐसे करके बांध दिया ताकि इसमें से कोई बाहर का कुछ अंदर घुस ना पाए ठीक है और अंदर कुछ बाहर ना निकल पाए ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक होना चाहिए ब्लैक प्लास्टिक लेने से नहीं होगा और इसको एक दिन आप सुबह को कर रख के आप इवनिंग को जो है इसको फिर ऑब्जर्व कीजिएगा और क्या ऑब्जर्वेशन आपको मिलता है मैं बताया तो ऑब्जर्वेशन ये होगा कि इसके अंदर पे फॉक टाइप का आपको दिखेगा ठीक है तो ये फॉक कहाँ से जनरेट होगा वो फॉक जनरेट होगा ये जो लिप्स पानी छोड़ रहे थे वो पानी बाहर नहीं जा पा रहा था उसी से ये फॉक जनरेट हुआ तो ये एक्टिविटी आपको करना है खुद से घर पर बहुत ही ईजी एक्टिविटी है कोई भी छोटा पौधा फूल का पौधा हो सकता है या छोटा सा पेड़ हो सकता है जिसमें आपको दो तीन पत्ता को लेकर बड़ा बड़ा पत्ता होना चाहिए ऐसे लेके आप प्लास्टिक से ऐसे के बांध देंगे ठीक है ये बांध इस, इस तरह से बांधना है कि बार बार बोल रहा अंदर या बाहर कुछ आ, आ जा ना सके और इसको दिन भर के लिए छोड़ देना है और शाम के टाइम पे जो है पाँच या छः बजे तब इसको खोलना है एंड देखेंगे आप इसके अंदर एक फॉक टाइप करेगा और वो फॉक एक्चुअली क्या है वो वही पानी है जो ये थ्रू ट्रांसप्रेशन जो है ये पत्तों ने छोड़ा हुआ है ठीक है और पानी कहां से निकालते हैं वो लोग ये ध्यान रखना स्टोमेटा से निकालते हैं स्टोमेटा एक्चुअली क्या है लिप्स के निचले हिस्से में ओपनिंग होते हैं इस तरह से ठीक है जो हमको दिखाई नहीं देते हैं इस तरह से ओपनिंग होते हैं एंड इस ओपनिंग से वो लोग क्या करते हैं गैस का एक्सचेंज करते हैं यहीं से ट्रांसपिरेशन भी होता है ठीक है द प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ वाटर नॉर दिस इज डेफिनेशन ऑफ ट्रांसपिरेशन आप नोट कर सकते हैं इसको याद कर सकते हैं द प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर थ्रू द लीव्स एंड अदर एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसपरेशन ठीक है अब ये ट्रांसपरेशन जो है मेनली थ्रू लीव्स होता है लेकिन अदर पार्ट से भी हो सकते हैं अदर कौन कौन से पार्ट से हो सकते हैं ये मैं आपको बताऊंगा आज के क्लास में ठीक है बट मेनली थ्रू द ज़्यादा से ज़्यादा जो है वाटर uh, का ट्रांसपरेशन वो थ्रू लीव्स ही होते हैं क्योंकि लीव्स में खाना बनता है वाटर वहाँ पहुँचता है तो एक्सेस वाटर को जो है लीव्स हवा में छोड़ देते हैं ठीक है तो ट्रांसपरेशन मतलब सिंपली क्या है वाटर लॉस ठीक है एक्सेस वाटर जो है उसको लॉस करना द प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर थ्रू द लीव्स एंड अदर एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसपीरेशन बहुत इजी डेफिनेशन है मीनिंग भी इजी है नाउ साइकिल ऑफ फ्लोइंग ऑफ वाटर इन प्लांट्स एक प्लांट है प्लांट में जो वाटर का फ्लो है उसका साइकिल को हम समझते हैं ठीक है थीके? तो वाटर हमको पता है कहां से जाता है रूट से जाता है रूट से ऊपर की तरफ जाता है तो साइकिल कैसे हुआ देखिए ट्रांसप्रेशन अब यहां पर देखिए ये रूट्स ने पानी अब्जॉर्ब किया पानी अब्जॉर्ब करके ऊपर की तरफ रूट ने भेजा है कि नहीं ऊपर की तरफ भेजा हर एक लीप्स में भेजा तो लिप्स खाना बनाते हैं खाना बनाने के बाद वो क्या करते हैं थ्रो तो ट्रांसपेरेशन इस लीब से पानी को बाहर निकाल देते हैं ठीक है यहां पर क्या हुआ अब्जॉर्बशन हुआ है ना यहाँ पर एब्जॉर्प्शन हुआ एब्जॉर्प्शन के बाद हम क्या बोलेंगे एसेंट ऑफ सैप सैप ऊपर की तरफ गया खाना बनने के बाद जो एक्सेस वाटर था वो ट्रांसप्रेशन के जरिए उड़ गया अब यहाँ पे देखिए ये यह पानी यहाँ से जा रहा है यहाँ से उड़ जा रहा है तो यहाँ से उड़ जाने के बाद फिर से यहाँ से पानी जा रहा तो ये साइकिल कंटिन्यूसली चलता रहता है अगर ट्रांसपेरेशन नहीं होगा तो अब्जॉर्प्शन स्लो हो जाएगा ट्रांसप्रेशन हो रहा है इसलिए अब्जॉर्प्शन कंटिन्यूअस हो रहा है अगर मान लीजिए ट्रांसप्रेशन नहीं होता तो अब्जॉर्प्शन भी कंटिन्यूस नहीं होता जब जरूरत होता प्लांट को तभी आपब करते जब जरूरत नहीं होता फिर एब्जॉर्बन स्टॉप हो जाता है लेकिन ऐसा नहीं है ये प्रोसेस कंटिन्यूस चलता है एब्जॉर््पन होता है हर एक पार्ट में पानी पहुंचता है एक्सेस पानी जो है एटमॉस्फेयर में छोड़ दिया जाता है एंड जितना पानी छोड़ दिया जाता है फिर उस डेफिसिट को वो जो कमी हो जाता है पानी का फिर उसको भरपाई करने के लिए पानी को जो है खींचा जाता है देर इज़ अ ट्रांसपिरेशनल पूल आप एक टर्म मिलेगा आपको ट्रांसपिरेशनल पूल जैसे पानी ट्रांसपिरेशन हो जाता है मतलब बाहर की तरफ हो जाता है तो एक पानी ये लोग फिर नीचे की साथ खींचते हैं पुल ट्रांसपिरेशन हो गया उसके बाद एक ऑटोमेटिक जो है पानी को खींचा जाता है अब ये पानी को खींच रहे हैं तो दैट मीन्स रूट को भी सिग्नल ऑटोमेटिक मिल जाता है मुझे पानी ऊपर भेजना है तो रूट भी अपना ऑब्जॉर्ब्शन का काम जो है जारी रखता है ठीक है तो इसलिए बोला देर इज कंटिन्यूस ट्रांसपिरेशन ठीक है तो कंटिन्यूस ऑब्जॉर्शन ऑफ वाटर इज नीडेड टू कम्पेंसेट द लॉस ऑफ वाटर ये जो लॉस ऑफ वाटर हो रहा है इसका भरपाई क्या कौन करेगा रूट करेगा थ्रू कंटिन्यूस ऑब्जॉर्प्शन ठीक है तो इसलिए ट्रांसपरेशन कंटिन्यूस हो रहा है इसीलिए कंटिन्यूस ऑब्जॉर््प्शन हो रहा है एंड एसेंट ऑफ सैप हो रहा है इसलिए हमने पहले एकदम स्टार्टिंग uh, में पढ़ा था ना कि एसेंट ऑफ सैप इज एडेड बाई ट्रांसपरेशन तो इस तरह से ट्रांसपरेशन जो है एसेंट ऑफ सैप में हेल्प करता है वो ट्रांसपरेशन होता है तभी जो है सैप ऊपर की तरफ मूव करता है अगर मान लीजिए पानी यहाँ पर जाके स्टोर हो गया और ये ऊपर की तरफ नहीं गया

पानी का जरूरत था पानी हमने ले लिया खाना बना लिया एंड एक्स्ट्रा पानी को फेंक दिया फिर खाना बनाना तो कंटिन्यूस प्रोसेस है नेक्स्ट टाइम फिर खाना बनाना है तो खाना बनाना फिर है मतलब फिर पानी चाहिए तब हम लोग क्या करेंगे ये जो पानी जो छोड़ दिया उसको हम लोग नहीं लेंगे वापस अब फिर हम जो है पाइप से पानी खींचेंगे जैसे कि हम लोग को किचन में जब पानी चाहिए होता है तो हम लोग टैप से पाइप से पानी ले, ले लेते हैं खाना बना लेते हैं जो एक्स्ट्रा पानी होता है फिर फेंक देते हैं फिर वो फेंका हुआ पानी से हम खाना नहीं बनाते फिर जब खाना बनाने के लिए हम लोग को पानी चाहिए होता है हम पाइप से लेते हैं टैप से तो इनका भी पाइपलाइन ही यूज़ होगा ये एक्स्ट्रा पानी को फेंक दिए फिर जब खाना बनाने का टाइम आया तब क्या कि ये लोग ये पाइप में से पानी को खींच रहे तो ये पाइप में से पानी खींच रहे हैं मतलब अल्टीमेटली ये पानी कहाँ से आएगा ये ये रूट uh, में से आएगा रूट में से स्टेम में पहुंचेगा स्टेम में से लीब में पहुंचेगा तो प्रोसेस समझ में आ रहा है बहुत ही ईजी प्रोसेस है ठीक है तो इसलिए यहां पे बोला गेट्स क्रिएटेड ड्यू टू विच वाटर फ्रॉम जाइलेम ऑफ रूट्स गेट ट्रांसपोर्टेड टू स्टेम एंड फाइनली टू लीव्स तो एज द वाटर फ्रॉम रूट गेट्स ट्रांसपोर्टेड टू स्टेम जैसे पानी जो है स्टेम में जाता है फिर यहां का पानी स्टेम में जाता है यहां पे पानी का कमी हो गया यहां पे पानी का कमी हो गया तो ये लोग क्या करेंगे आसपास में जो सॉयल है उसमें से पानी खींचेंगे है ना रूट कहाँ से पानी खींच रहा है रूट सॉयल में से पानी खींच रहा है ये सॉयल है समझ में आया फिर से देखिए पूरा प्रोसेस ट्रांसपरेशन हो गया यहाँ पे पानी कम हो गया यहाँ पे पानी कम हो गया तो ये पानी कहाँ से लिया जाएगा या आगे जो पाइपलाइन है इसमें से पुल करेंगे पानी को इसमें से पुल करेंगे मतलब ये स्टेम में से पानी इधर चला जाएगा तो स्टेम में पानी खाली हो गया फिर स्टेम में पानी खाली हो गया तो ये स्टेम का पानी कहाँ से जाएगा रूट में से यहाँ पे चला जाएगा स्टेम में तो रूट में खाली हो गया अब रूट में खाली हो गया तो ये पानी कहाँ से आएगा सॉयल में से आएगा समझ में आया साइकिल कितना इजी है ना तो ऐसे करके ये जो है कंटिन्यूस चलते रहता है तो एज द वाटर फ्रॉम रूट गेट्स ट्रांसपोर्टेड टू स्टेम दर इज लेस वाटर इन रूट्स देन द वाटर फ्रॉम द सॉइल पासिस ऑन टू द रूट हेयर बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस देन अगेन थ्रू ऑस्मोसिस जो सॉइल वाटर है वो रूट के अंदर पे एंटर कर जाता है तो स्टूडेंट समझ में आया साइकिल ऑफ फ्लो ऑफ वाटर इन प्लांट्स किस तरह से जो है कंटिन्यूस फ्लो ऑफ वाटर जो है एक प्लांट में बना रहता है एंड इसमें रूट प्रेशर बोलिए एसेंट ऑफ सैप ट्रांसपरेशन सब लोग एक साथ काम करते हैं है ना ट्रांसप्रेशन नहीं होगा तो एसेंट ऑफ सैप नहीं होगा एंड देन एसेंट ऑफ सैप नहीं होगा तो ट्रांसपरेशन नहीं होगा मान लीजिए तो क्या होगा कि अगर ट्रांसपरेशन हो गया और पानी नहीं मिल रहा है यहाँ से तो पौधा तो मर जाएगा आपने देखा होगा कई सारे पौधे मर जाते हैं क्यों क्योंकि ट्रांसप्रेशन हो जाते हैं उनका ट्रांसप्रेशन होने के बाद उनको पानी नहीं मिल पाता क्योंकि शायद सॉइल में उतना पानी नहीं है तो वो सूख जाते हैं ठीक है तो इसलिए ये ट्रांसपरेशन अब्जॉर्बन एसेंट ऑब्सैप ये सब एक साथ चलने से ही प्लांट हेल्दी रहेगा और ट्रांसपरेशन स्टॉप नहीं हो सकता ट्रांसपोरेशन होगा ही ठीक है तो ट्रांसपोरेशन को कम्पनसेट करने के लिए ये जो लॉस ऑफ वाटर हो रहा है तो इसीलिए हम लोगों को क्या करना चाहिए वो हमेशा वाटर देते रहना चाहिए पानी को ताकि इनको एडिक्वेट पानी मिलता रहे समझ में सो दिस साइकिल ऑफ फ्लोइंग ऑफ वाटर इन प्लांट कंटिन्यूस ये जो साइकिल हमने अभी देखा ये जो है कंटिन्यू चलते रहता है एंड जब तक प्लांट का लाइफ है तब तक ये चलता रहता है समझ में न रेट ऑफ ट्रांसपोरेशन जैसे हमने देखा कि क्या क्या फैक्टर्स है जो एब्जॉर्बशन ऑफ वाटर को इफेक्ट uh, करता है उस तरह से कुछ फैक्टर्स है कुछ रीजनस है जो रेट ऑफ ट्रांसपोरेशन को इफेक्ट करता है तो सबसे पहला है टेम्परेचर टेम्परेचर रेट ऑफ ट्रांसपोरेशन को कैसे इफेक्ट करेगा समझिएगा अगर टेम्परेचर ज्यादा होता है तो ट्रांसपेरेशन ज्यादा होगा क्यों ज्यादा टेम्परेचर में पानी जल्दी जल्दी इवापोरेट होता है तो इसीलिए लिप्स में भी जो पानी है वो जल्दी जल्दी, जल्दी जो है इन द फॉर्म ऑफ वेपर चेंज हो जाते हैं तो इसीलिए टेम्परेचर ज़्यादा होने से ट्रांसप्रेशन ज़्यादा होता है अगर टेम्परेचर कम है तो ट्रांसपरेशन कम होता है तो इसीलिए गर्मी के टाइम पे मेनली इन द समर टाइम जो है प्लांट को ज़्यादा पानी चाहिए होता है क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा वाटर लॉस हो जाता है थ्रू ट्रांसपरेशन ये डायग्राम से मैं इसलिए दिखा रहा हूँ आपके बुक में ये मिल जाएगा वो लिखा हुआ है बट ये ईजिली आप अपने दिमाग में बैठा सकते हैं कि टेम्परेचर ज़्यादा हुआ तो ट्रांसपरेशन ज़्यादा होगा टेम्परेचर अगर कम हुआ तो ट्रांसपरेशन भी कम होगा दे रिलेटेड क्योंकि ज़्यादा टेम्परेचर मतलब जल्दी जल्दी जो वाटर मोलिक्यूल्स है वो बेपर बन जाएंगे ठीक है दूसरा है ह्यूमिडिटी ठीक है रिलेटिव ह्यूमिडिटी ह्यूमिडिटी जितना ज्यादा होगा ट्रांसप्रेशन उतना कम होगा ह्यूमिडिटी मतलब एक पानी में आ, हवा में जो है एक नमी ठीक है क्योंकि अगर जो लीव्स है मान लीजिए लीव्स है ये जो लीप्स है इसके आसपास में ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है मतलब ऑलरेडी पानी का मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा है तो यहाँ से जो ट्रांसप्रेशन होगा वो कम हो जाए क्योंकि हवा में ऑलरेडी पानी का नमी यहाँ पर आसपास में ज़्यादा है और मॉलिक्यूल्स जाने के लिए स्पेस कम है तो स्पेस कम है तो इस समय धीरे धीरे ये ट्रांसपरेशन होगा ठीक है जबकि अगर ह्यूमिडिटी कम होता है मतलब यहाँ पर जो आसपास में जो पानी का मॉलिक्यूल्स है लीप के आसपास में हवा में वो कम है तब ट्रांसपरेशन ज्यादा होगा क्योंकि यहां से ज्यादा से ज्यादा मॉलिक्यूल तब पास करेगा तो ये इजी सा सिंपल बेसिक फंडा है इसका ठीक है ह्यूमिडिटी ज्यादा होगा तो ट्रांसपरेशन कम होगा ह्यूमिडिटी कम होगा तो ट्रांसपरेशन ज्यादा होगा ऐसे करके याद रखना है आपको ठीक है आपको लिखने में भी ईजी होगा देन कम्स विंड अगर विंड स्ट्रांग होगा विंड अगर स्ट्रांग होगा या अपवर्ड साइन में हम बता रहे हैं कि विंड अगर स्ट्रांग है या ज़्यादा है तो उस समय ट्रांसपरेशन ज़्यादा होगा ऐसा क्यों होता है स्टूडेंट्स के अभी, अभी 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 जो मैंने एग्जाम्पल दिया इससे पहले कि ये लीव है एंड लीफ के चारों तरफ में ये वाटर मॉलिक्यूल्स है तो अगर विंड तेज होगा तो ये क्या करेंगे इस वाटर मॉलिक्यूल्स को यहाँ से भगा के ले जाएगा तो दैट दैट टाइम यहाँ पर और ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स जो है लीव्स में से बाहर आ सकते तो इसीलिए विंड ज़्यादा होने से ट्रांसपरेशन ज़्यादा होगा विंड अगर कम है विंड का स्पीड या बहाव अगर हवा अगर कम है तो उस समय ट्रांसपरेशन भी कम होगा ये चीज़ को आप ऐसे करके समझिएगा तो याद रहेगा ठीक है टेम्परेचर हाई तो ट्रांसपरेशन हाई टेम्परेचर कम तो ट्रांसपरेशन भी कम ह्यूमिडिटी ज़्यादा टेम्परेशन का uh, ट्रांसप्रेशन कम ह्यूमिडिटी कम ट्रांसपरेशन ज्यादा फिर विंड अगर ज्यादा है तेज है तो ट्रांसपरेशन भी ज्यादा होगा विंड अगर कम है तो ट्रांसपरेशन भी कम होगा ठीक है रिलेटेड चीज़ है फिर लाइट लाइट मतलब दिन के टाइम एंड रात का टाइम ऐसा समझ सकते हैं दिन में लाइट है रात में लाइट नहीं तो दिन के टाइम में जो है जो ट्रांसप्रिशन है वो ज़्यादा होगा क्योंकि दिन के टाइम में जो स्टोमेटा का जो होल्स होता है वो ओपन होता है एक्चुअली ठीक है एंड ओपन होने की वजह से जो वाटर लॉस है वो ज़्यादा होता है जबकि रात का टाइम में जो उनका स्टोमेटा है, तो है वो उनका जो ओपनिंग है वो क्लोज हो जाता है जिसकी वजह से जो वाटर लॉस होता है वो कम होता है इसका मतलब ज़्यादा लाइट ज़्यादा ट्रांसप्रिशन कम लाइट कम ट्रांसप्रेशन अवेलेबल सॉइल वाटर ठीक है सॉयल वाटर सॉइल के साथ जो वाटर होता है अगर हाई सॉयल वाटर है तो ट्रांसपरेशन ज़्यादा होगा बिकॉज ये इजिली रिलेटेड है हाई सॉयल वाटर है तो एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा तो ट्रांसपरेशन ज़्यादा होगा अगर सॉयल में पानी कम है है ना तो एब्जॉर्प्शन भी कम होगा एंड तो एब्जॉपशन कम होगा तो ट्रांसप्रेशन कम कम होगा ये तो ये बिल्कुल ईजी है आप तो ऐसे ही मतलब बच्चों का खेलाइए कोई भी समझ सकता है पानी जो यहाँ पर जिस जहाँ पर प्लांट है वहाँ पर अगर पानी कम है सॉइल में तो उस अब्जॉर्प्शन कम होगा अब्जॉर्प्शन कम होगा तो ऑब्वियसली ट्रांसपरेशन कम होगा ना अगर अगर पानी का अब्जॉर्प्शन ज़्यादा है सॉइल वाटर ज़्यादा है तो पानी का अब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा पानी का अब्जॉर्प्शन अगर ज़्यादा हुआ तो ट्रांसप्रीशन भी ज़्यादा होगा ठीक है तो ये था फैक्टर्स इफेक्टिंग आपके बुक में जो है अच्छे से ये लिखा हुआ है मैंने समझाने के लिए इसको डायग्रामेटिक वे में प्रेजेंट किया आपके सामने आप उसको अच्छे से लिख लीजिएगा एंड अपना वर्ड्स भी अगर आप समझ जाते हैं तो अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हैं आप ऐसा कोई दिक्कत नहीं है हाँ अगर स्कूल का टीचर आपको बोलते हैं कि स्कूल जो बुक का लिखा है वही लिखो तो थोड़ा आपको याद करना पड़ सकता है बट अगर आप समझे समझ के याद करते हैं तो वो आपको ज़्यादा जल्दी याद होगा एंड ज्यादा देर तक याद रहेगा बहुत दिनों तक याद रहेगा भूलने का कोई चांसेस नहीं रहेगा उसमें अगर भूल भी जाते हैं एक आध लाइन तब आप बना के भी लिख सकते हैं ठीक है नौ टाइप ऑफ ट्रांसपिरेशन देखते हैं जो ट्रांसपिरेशन हमने देखा क्या होता है वाटर लॉस होता है तो ये कैसे कैसे हो सकता है मैंने पहले बताया था आपको कि मेनली ये लीव्स के थ्रू होता है बट लीव्स को छोड़कर भी बाकी और कुछ पार्ट्स uh, है प्लांट्स में जिसके जरिए ये ट्रांसपिरेशन होता है तो उनमें से पहला स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन ये तो लीव्स का ही है ये स्टोमेटा से ज़्यादा से ज़्यादा जो है पानी लॉस हो जाना उसको हम लोग बोलते हैं स्टोमेटल ट्रांसपरेशन ये एक लीव मैं आपको दिखा रहा हूँ बड़ा करके इसको अगर फर्दर जूम करेंगे तो यहाँ पर आपको छोटा छोटा या हर माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो छोटा छोटा होल्स आपको दिखेगा उस होल्स में कुछ इस तरह का ओपनिंग आपको दिखेगा तो इसको हम लोग ये जो शेप है ये स्टोमेटा का शेप है एक्चुअली एंड इसको ये जो ओपनिंग है इस ओपनिंग से जो है गैस एक्सचेंज होता है एंड ट्रांसपरेशन भी इसी इसी जगह से होता है लीब्स में से ठीक है दूसरा है क्यूटिकुलर ट्रांसपेरेशन तो ये पहले तो आपको समझना हो क्यूटिकल क्या है क्यूटिकल एक्चुअली आपने लिप्स में बहुत तरह के लिप्स में देखा होगा कि, कि इस तरह से पानी जो है ऊपर में जमा रहता है तो ये क्यूटिकल एक्चुअली क्या है ये एक कोटिंग है और लिप्स का ऊपरी भाग आप बोल सकते हैं वो ये ऊपर से भी रहता है नीचे से भी ये कोटिंग रहता है वैक्स टाइप का कोटिंग रहता है ये जिससे ये एक प्रोटेक्शन शील्ड की तरह काम करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा वाटर लॉस ना हो फिर भी इसके थ्रू थोड़ा सा जो है परसेंटेज में बहुत ही कम है लेकिन थोड़ा सा होने से भी वाटर लॉस होता है वो भी कौन से वाले लिप्स में जो लिप्स अभी यंग है मतलब छोटे छोटे अभी अभी निकल रहे हैं उस तरह के लिप्स में से जो क्यूटिकुलर ट्रांसप्रेशन है वो होता है बट इसका जो वाटर लॉस है ये बहुत कम है एज कम्पेयर टू स्टोमेटल ट्रांसपोर्टेशन ठीक है क्योंकि इनका बनना ही इस तरह से है कि ये ये जो ऊपर वाला कोटिंग है लेयर है इसको बोलते हैं क्यूटिकल ठीक है तो इसका बना हुआ ही इसलिए ताकि ज़्यादा लॉस ना हो लेकिन जो यंग लिप्स है उसमें ये ज़्यादा आप बोल सकते हैं स्ट्रांग नहीं होते हैं जिस वजह से उनमें से थोड़ा बहुत जो है वाटर लॉस हो जाता है हॉर द लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन एंड लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन मतलब ये जो ट्रांसपिरेशन है ये पत्तों में से नहीं होता ये स्टेम में से होता है ठीक है एंड स्टेम में आपको अगर पुराना कोई ट्री है आपको क्या दिखेगा इस तरह का कुछ दिखेगा हर ट्री में ये दिखता है इनको बोलते हैं लेंटिसल ठीक है एंड इनमें से थोड़ा थोड़ा करके वाटर लॉस होता है जिसको हम लोग कहते हैं लेंटिकुलर ट्रांसपोरेशन इन दिस ऑफ ट्रांस इन दिस टाइप ऑफ ट्रांसपरेशन वाटर इज लॉस ट्रू लेंटिक्स प्रेजेंट ऑन द बार्क ऑफ ओल्ड ट्रीज ठीक है ये बार्क में आपको मिलेगा ठीक है समझ में आया जो टाइप ऑफ ट्रांसपरेशन है एंड ये तीनों में से सबसे ज्यादा वाटर लॉस जो होता है वो स्टोमेटल ट्रांसपरेशन से होता है ठीक है स्टूडेंट्स तो आज की क्लास में ट्रांसपरेशन तक ही था यहाँ तक अच्छे से आप देखिएगा टॉपिक्स को घर पे एक दो बार और रिवाइज करने की कोशिश कीजिएगा ईजी है अगर आप थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते हैं चीज़ों को तो ज़्यादा समझ में आएगा एंड चीज़ों को रिलेट करते जाना देखिए हर क्लास का चीज़ जो है ऐसा नहीं कि बिल्कुल अलग है हर क्लास का चीज़ जो है रिलेट है इसके बाद इसके बाद जो आगे आने वाले क्लासेस में पढ़ाऊंगा वो भी रिलेटेड रहेगा ठीक है एंड आई हो आई थिंक ट्रांसपे ट्रांसपोर्ट इन फूड एंड वाटर का एक और क्लास आपको होना चाहिए दो तीन टॉपिक्स और बचा हुआ है जिसको कवर करने से ये क्लास खत्म हो जाएगा फिर कुछ क्वेश्चन आंसर हम डिस्कस करेंगे ठीक है तो आज के क्लास का ये होमवर्क है आपको ये सब क्वेश्चन लिखना है व्हाट इज ट्रांसपरेशन डेफिनेशन मैंने दिया है व्हाट आर द फैक्टर्स दैट एफेक्ट द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर ये भी मैंने दिया हुआ है आपको लिखना है व्हाट इज एसेंट ऑफ सैप ये भी पढ़ा है मैंने व्हाट इज रूट प्रेशर ये भी समझाया तो ये सब चीज़ आपको आज के होमवर्क में लिखना है ठीक है तो स्टूडेंट्स टेक केयर एंड मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में तब तक अपना ध्यान रखिए बाय बाय